हेलो स्टूडेंट्स, अब तक एक्सप्लेनेशन आपने जो देखा था, अब उसके आगे का हम देखते हैं। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वर्ब क्या है। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनका कि काम कोई चीज़ हो रही है वो बताना होता है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के होने या ना होने के आधार पर, उसके बेस पर वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, इनट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके साथ कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो वर्क्स जो ये वर्ब है, ये इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है। ट्रांजिटिव वह क्रिया है जिसके साथ कर्म होता है, जैसे आई राइट अ लेटर नाउ। अब राइट तो है वर्ब, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेटर ये भी जुड़ा है। और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है नाउन होता है। तो इसमें किसी सेंटेंस में एक तो होता है सब्जेक्ट, जो नाउन के नाउन होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे होता है, और दूसरे जो जगह पे नाउन हो सकता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हो सकता है। ऊपर वाले सेंटेंस में ही वर्क्स वेरी हार्ड, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ ही जो है वो प्रोनाउन है एक, तो ये नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन हमें पता है कि प्रोनाउन नाउन की जगह ही यूज़ होता है। तो अगर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट है, करने वाला, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये काम ये ही कर रहा है। वर्क्स वेरी हार्ड, जो मेहनत से काम, ही वर्क्स वेरी हार्ड का मतलब वह मेहनत से काम करता है। तो कौन करता है? वह का मतलब ये ही लिखा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब आई राइट अ लेटर नाउ, इसका क्या मतलब होगा कि मैं अब लेटर लिखता हूँ। तो मैं जब लेटर लिखता हूँ, कौन लिखता है? मैं, तो मैं का मतलब आई, आई ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और लेटर लिखता हूँ मैं, जो ये लेटर है ये क्या हो गया, ये दूसरा, ये भी एक नाउन है। लेटर आपको पता है कि एक नाम है किसी चीज़ का, ठीक है, जिस जो कागज़ पे लिखे हुए किसी, उसको हम जो सूचना या अपनी जानकारी, खैर खबर किसी को दे रहे हैं उसको लेटर बोलते हैं। तो किसी चीज़ का नाम हुआ लेटर, तो नाम हुआ तो यानी नाउन हो गया। अब राइट अ लेटर, तो राइट लिखने का जो एक्शन है वो इस किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? लेटर के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जब ये लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये राइट जो होगा वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और ये इनट्रांजिटिव वर्ब ये है वर्क्स, क्योंकि ये एक्शन किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई वर्ब दूसरा नाउन नहीं है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड का मतलब मेहनत से, लेकिन कोई इधर पे ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये वर्क्स जो है इनट्रांजिटिव है, और राइट के साथ ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को याद रखने के लिए आप ये समझ लीजिए, इसके जो शुरू के लेटर हैं ट्रांजिटिव के, ट्रांस, ट्रांस का मतलब जैसे ट्रांसफ़र होता है एक चीज़ से दूसरी जगह पे जाने को ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ट्रांजिटिव में ट्रांस लग गया, तो उससे आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी। वो ट्रांसफ़र यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट लिखने का एक्शन लेटर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसलिए ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी आप मन में ये सोच के रख सकते हैं कि जहाँ पे ट्रांसिटिव होगा, मन में ट्रांसफ़र का ट्रांस याद रख लीजिए कि जब ये आएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई जो नाउन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे राइट करने का एक्शन लेटर के ऊपर यहाँ अप्लाई हो रहा है। और इनट्रांजिटिव में एक्शन अप्लाई नहीं हो रहा होगा किसी दूसरे नाउन के ऊपर, सिर्फ एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट है और दूसरा कोई नाउन नहीं है जिस पे कि ये वर्ब का जो एक्शन है वो अप्लाई हो रहा हो। तो इन जब लग जाता है, इन का मतलब हमें मालूम ही होगा कि कोई चीज़ ना होने देने के लिए, जहाँ पे हमें किसी चीज़ के ना होने का बोध हो, एहसास हो, वहाँ पे इन लग जाता है। तो जैसे सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, इनसफिशिएंट का मतलब काफ़ी नहीं होना, तो नहीं होने के लिए इन लग जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको याद आ सकते हैं जिनको अगर हम इन लगा देंगे तो वो चीज़ नेगेटिव फॉर्म में चली जाएगी। एफिशिएंट भी एक वर्ड होता है, एफिशिएंट का मतलब कार्यकुशल होना, काम में दक्ष होना, काम में अच्छा होना, और इनएफिशिएंट का मतलब होता है काम में अच्छा ना होना, ठीक है ना। जैसे डिसिप्लिन होता है और एक होता है इनडिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन अनुशासन, और इनडिसिप्लिन का मतलब अनुशासन ना होना।
ये इधर भी ट्रांजिटिव, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही, इनट्रांजिटिव ट्रांसफ़र नहीं हो रही, एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांजिटिव में और एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इनट्रांजिटिव में। तो उम्मीद है ये इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ लेंगे। अपने कुछ टेक्निक्स आप अपनी भी बना सकते हैं कि कैसे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जैसे कि ये एक सेंटेंस है, ही गेव मी अ बुक। अब इसमें गेव जो है वो वर्ब है, ही सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, और मी जो लग गया ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें दो दो और ऑब्जेक्ट आ गए। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दो भी होते हैं। तो ही गेव मी अ बुक का मतलब है कि जो देने का एक्शन है वो काय पे अप्लाई हो रहा है, बुक के ऊपर, बुक दी जा रही है, लेकिन इधर पे किसको दी जा रही है ये भी है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कहीं आता है तो वो पहले आता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये और एग्जांपल्स हैं। अब ये लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, अभी वर्ब का ही चलेगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको मीनिंग क्लियर करने के लिए इनका यूज़ होता है। इसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और ये बाकी के जो हैं इनको लिंकिंग वर्ब्स कह रहे हैं सबको मिला के। जैसे यहाँ एग्जांपल है, द डे इज़ हॉट, आई एम एन ओल्ड टीचर, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय, अकबर वॉज अ फेमस किंग, दे वर थर्स्टी। तो ये कोई वैसा एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन ये लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है यू आर अ गुड बॉय, तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आर जो लगा हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोला जाता है, और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम ये कर रहा है कि इसको यू को, सब्जेक्ट को और इस क्वालिटी को जोड़ने के लिए, यू तो हो गया एक प्रोनाउन और गुड बॉय का मतलब अच्छा लड़का, तो ये इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से ये सारे जो सेंटेंसेस है, रणबीर बिकेम अ सोल्जर, तो ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनको सेपरेटली भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी आप सिर्फ इसको एक रैंडमली पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गए हेल्पिंग वर्ब्स, तो जैसे कि ही इज़, ये हैव, वर, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग, तो रीडिंग तो मेन वर्ब हो गया, पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग ए बुक, वो पढ़ रहा है, तो जो पढ़ना हो गया मेन वर्ब, और इज़ है जो लग गया वो हेल्पिंग वर्ब है इसमें। इसी तरह से आई हैव डन माय वर्क, तो डन हो गया मेन वर्ब और हैव जो इसमें लगा वो हेल्प कर रहा है उसको। इसी तरह से दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग है मेन वर्ब और वर इसमें लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई शैल गो टू अलीगढ़ टुमारो, तो गो मेन वर्ब है और ये जो शैल है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इनको आगे जब आप अलग अलग सेंटेंस में यूज़ खुद करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जहाँ पर इनका यूज़ हुआ होगा, तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो हैं मॉडल कहलाते हैं। मोड का मतलब, मॉडल का मतलब मोड से मॉडल बना है। मोड जो होता है वो एक तरीके के लिए यूज़ होता है कि कौन से, किस तरीके से। तो यहाँ पर कैन, कुड, ये सारे जो शब्द हैं, माइट, शैल, ये सब ऐसे शब्द हैं कि जो किसी एक्शन के होने के तरीके को बताते हैं। मे का मतलब होता है संभावना, कैन हो सकता है कि उसकी किसी चीज़ की कैपेसिटी को देखने के लिए, वेदर ही कैन डू इट और नॉट, कि वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं, उसकी एबिलिटी है कि नहीं, उसकी ताकत है कि नहीं। मे का मतलब संभावना, ठीक है। विल का मतलब कि वो करेगा ही करेगा, आई विल डू इट या ही विल डू इट, ही विल गो देयर, तो वो जाएगा। तो कोई चीज़ कन्फर्म है कि नहीं, कोई चीज़ कैसे रिक्वेस्टिंग वे में है, या कोई चीज़ कोई किसी का बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, उसने एक बिल्कुल ठान लिया है किसी चीज़ को,
तो वो सारे जो मोड हैं, मोड का मतलब है कि एक कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसका तरीका क्या है होने में, फॉर्म क्या है उसकी, वो पता चलता है इन वर्ड से। फिर आ जाइए द टेंसेस। अब ये टेंस आ गए, टेंस का मतलब है काल या उसका टाइमिंग सेंटेंस की, जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं वो किस टाइमिंग में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जांपल है, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो चिड़ियाँ हवा में उड़ती हैं। ही फ्ल्यू टू जापान यस्टरडे। मोहन विल फ्लाई अ काइट टमोरो। अब इसमें ये जो तीन सेंटेंसेस के एग्जांपल दिए हैं, इसमें तीन अलग अलग टाइमिंग की बात हो रही है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की। ही फ्ल्यू टू जापान यस्टरडे, फ्ल्यू का मतलब फ्लाई का पास्ट है ये, तो ये पास्ट में चला गया है। और यस्टरडे यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी हमारी समझ में आ जाएगा कि ये एक दिन पुरानी बात हो रही है। मोहन विल फ्लाई अ काइट टमोरो, तो विल जहाँ लग गया वो फ्यूचर के लिए लगता है, और टमोरो की बात हो रही है तो यानी वैसे भी ये आगे की ही बात हो रही है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। अब पहले वाक्य में फ्लाई प्रेजेंट टाइम का संकेत कर रहा है, तो ये प्रेजेंट टाइम टेंस है। दूसरे वर्ब में फ्ल्यू पास्ट की को रेफर कर रहा है, संकेत दे रहा है, तो ये पास्ट टेंस है। और तीसरे में विल फ्लाई जो है फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से हमने ये तीनों के जो यूज़ हैं, फ्लाई फ्ल्यू फ्लाई फ्लाई फ्ल्यू और विल फ्लाई, ये तीन तरह से इसको फ्लाई को यूज़ किया गया है। एक में सिर्फ फ्लाई है तो ये प्रेजेंट हो गया, एक में फ्ल्यू है जो कि फ्लाई का पास्ट फॉर्म है तो ये पास्ट में हो गया सेंटेंस, और एक में विल लग गया तो ये फ्यूचर में चला गया। इस तरह से ये हमने देख लिया कि जो टेंस होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस हैं यहाँ पे जैसे ये लिखे हुए हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। फिर अब इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ ये कुछ टेबल में आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टाइम इसमें अलग अलग टाइमिंग की, ये सेम एक ही तरह के सेंटेंस को अलग अलग टाइमिंग में अगर हम पढ़ के समझेंगे तो ये कैसे, क्या इसमें समझ में आएगा। आई गो ये सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यूस में आई एन जी लग जाता है, आई एम गोइंग, तो ये एक्शन जारी है, चल रहा है एक्शन। आई एम गोइंग का मतलब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये रहा हूँ जहाँ लगेगा तो वो एक्शन यानी चल रहा है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। तो इस तरह से ये चार अलग अलग इसके प्रेजेंट के हो गए। अब ये पास्ट में आई वेंट, मैं गया, यहाँ आई गो था तो ये गो तो प्रेजेंट में था, वेंट सिंपल पास्ट में हो गया। वेंट आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, यहाँ पे आई एम गोइंग था, मैं जा रहा हूँ था। आई हैड गॉन, मैं चला गया था। फिर आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। फिर आई शैल गो का मतलब मैं जाऊँगा, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। फिर आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, और आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा होऊंगा। ये इसकी अलग अलग फॉर्म्स एक ही सेंटेंस की हैं, इससे आपको टेंस को और इनके फॉर्म्स को समझने में आसानी होगी। इसके बाद ये आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एग्जांपल है, द पुलिस कॉट द थीफ, तो ये एक्टिव वॉइस है, और द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से चलेंगे, तो अगर ये पहला सेंटेंस है द पुलिस कॉट द थीफ, तो इसमें द पुलिस ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाकी का हिस्सा ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ जो है ये एक तरीके से, अब प्रेडिकेट में जो थीफ है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक्शन कॉट, कॉट वर्ब है यानी पकड़ना, और ये कॉट पकड़ने का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, थीफ के ऊपर हो रहा है, तो थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो दो एक्शन करने वाला कौन है, एक्शन करने वाला है पुलिस, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट पीछे चला गया, इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं, द थीव वॉज कॉट। इसमें जो काम हो रहा है इम्पॉर्टेंस उसकी जताने के लिए इसको ऐसा किया जाता है, सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस इसमें कम होती है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें करने वाले की इम्पॉर्टेंस हमें नहीं दिखानी है लेकिन जो एक्शन हो रहा है वो दिखाना है, तो उसके लिए ये पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। अब ये जो जनरल रूल्स हैं इसके एक्टिव से पैसिव के लिए वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स हैं वो ये फॉलोइंग हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और इससे पहले बाय लगाओ। ठीक है, तो यानी यहाँ पर द पुलिस था ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बन गया बाय द पुलिस, इसमें बाय लग गया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था थीफ तो ये सब्जेक्ट में आ गया द थीफ, ये पहले आ गया तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर एक्टिव वॉइस के वाक्य के टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखो। अब यहाँ पे चूँकि कैच जो होता है वर्ड होता है कैच जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और कॉट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी कॉट है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये एक्टिव वॉइस है इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, और जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पर इस जो ये रूल है ये कह रहा है कि थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन चूँकि इधर पर ये वाले सेंटेंसेस में जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसमें कॉट दोनों ही जगह यूज़ हुआ है, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी कॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है, इसीलिए ये कॉट लगा हुआ है। अब एक्टिव वॉइस का प्रयोग केवल 12 टेंस में होता है चूँकि, किंतु पैसिव वॉइस का प्रयोग 4 टेंस में इसमें नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये कैसे होगा क्या होगा ये इसके एग्जांपल्स तो आगे दिखेंगे, चूँकि ओवरव्यू है तो इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें और रूल्स दिमाग में रखने हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वक्ता स्पीकर के कथन दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी किसी ने कोई बात कही उसको हम दो तरह से बता सकते हैं किसी और को। एक तो रामा, जैसे ये एग्जांपल है, रामा सेड टू मोहन हरी हैज़ पास द एग्जामिनेशन, तो जो बोले हुए वर्ड हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर शो किए गए हैं इन्वर्टेड कॉमास में। और दूसरा तरीका है रामा टोल्ड मोहन दैट हरी हैड पास द एग्जामिनेशन, ये अपने तरीके से किसी और की कही हुई बात को हम बता रहे हैं, उसके एज इट इज़ वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरीके इसमें हो सकते हैं। प्रथम विधि में वक्ता के शब्दों का वर्णन ज्यों का त्यों किया गया है, इस प्रकार की विधि को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरी विधि में वक्ता के शब्दों का भाव व्यक्त किया गया, इस विधि को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले में जैसे वर्ड हैं वैसे के वैसे, और दूसरे में हम सिर्फ जो उसका मतलब है मीनिंग है वो तो वही का वही आना चाहिए जो बात बोली गई थी, लेकिन उसको हम डायरेक्ट उन्हीं वर्ड्स में ना कह के अपने तरीके से कहेंगे, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब इसका जो पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने वाले, याद रखने वाले, वो क्या हैं कि प्रथम वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और वक्ता का मुख्य कथन हरी हैज़ पास द एग्जामिनेशन को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, इस कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब हम देखेंगे तो इसमें अगर ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट का हम ले लें तो इसमें जो रामा है, रामा लिखा है, इसको हिंदी में राम पढ़ेंगे इंग्लिश में रामा, तो ये तो हो गया स्पीकर बोलने वाला, और सेड है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, मोहन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और हरी हैज़ पास द एग्जामिनेशन ये क्या है, ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कि इसको बताया गया, इसको बोला गया, बोली गई बात। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कही हुई बात या बोली गई बात। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसमें एक स्पीकर, एक रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये भी हो सकता है, और इसके बाद जो कही हुई बात यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरे इसके पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये जैसे दिया हुआ इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ होगी वो रिपोर्टेड स्पीच है। रामा सेड टू मोहन को रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज में स्पीकर आ गया,
रिपोर्टिंग वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और इसको कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर रामा सेट टू मोहन, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है और यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है। हरी हैज़ पास द एग्जामिनेशन, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो रिपोर्टेड क्लॉज है रामा सेट टू मोहन, इसमें रामा जो है ये स्पीकर है, सेड ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और टू मोहन, मोहन जो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है कि इसको कॉमे से अलग करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार वर्ब प्रोनाउंस एडवर्ब्स आदि में परिवर्तन होता है। अब क्या होता है ये आगे के एग्जांपल्स में जब आपको सब मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा उसमें। अब कुछ वर्ड्स को डिटरमाइनर्स कहा जाता है, ये एक तरीके से किसी चीज़ को एक फिक्स एहसास कराने के लिए, किसी चीज़ का लिमिटेशन कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में, कितना क्या है, उसके लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे ए, एन, द, सम, एनी, मच, सेवरल, फ्यू, लिटिल, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। और एन का मतलब एक होता है, सम का मतलब कुछ होता है, एनी का मतलब कोई भी, मच का मतलब ज़्यादा, सेवरल का मतलब कई, फ्यू का मतलब कम, लिटिल का मतलब थोड़ा, ईच का मतलब हर कोई, एवरी का मतलब प्रत्येक, ऑल, इस तरह से करके कि संख्या या क्वांटिटी किसी चीज़ की फिक्स करने के लिए डिटरमाइनर्स हो गए। द पार्ट ऑफ स्पीच में ये इसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इसमें यहाँ पर जो इनके काम हैं, क्या क्या काम है यहाँ पे दिया हुआ है। नाउन क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं, कि किसी भी चीज़ का नाम हो। एग्जांपल्स दिए हैं अशोक, किंग, दिल्ली, सिटी, रोज़, ये सब किसी ना किसी चीज़ के नाम हैं, चाहे वो ग्रुप ऑफ किसी चीज़ के ग्रुप के भी हो सकते हैं, किसी फीलिंग या एहसास या क्वालिटी के भी हो सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, कोई जीती जागती चीज़ नहीं है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को किसी ने, कोई इसका रूप रंग तो होता नहीं है, आकार प्रकार, ये तो एक अदृश्य चीज़ है, गायब चीज़ है, एक उसका गुण है किसी इंसान का ऑनेस्टी, तो इसके भी, लेकिन वो नाम है किसी चीज़ का, गुण का नाम है, तो इसलिए क्वालिटी का नाम है, तो उसको नाउन में ये आएगा। अब प्रोनाउन क्या है कि कभी भी किसी भी नाउन के बदले में जो वर्ड यूज़ होंगे वो प्रोनाउन होंगे। ही शी तो आ जाएगा मेल और फीमेल के लिए, बॉय या गर्ल, मैन या वुमन के लिए, इट आएगा निर्जीव चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए या छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन मुझे, तुझे और उनको, इस तरह की चीज़ों के लिए आएगा। फिर एडजेक्टिव हो गया, तो ये क्वालिटी बताने के लिए होता है किसी नाउन की, क्वालिटी, नाउन कोई भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, तो बिल्डिंग इज़ टॉल, बिल्डिंग ऊंची है, तो बिल्डिंग इज़ टॉल में टॉल एडजेक्टिव हो गया। बॉय इज़ स्मार्ट या बॉय इज़ फेयर, तो ये फेयर या स्मार्ट उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। और गर्ल इज़ फैट, तो फैट उसकी क्वालिटी हो गई, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगली, द गर्ल इज़ अगली, अगली का मतलब जो सुंदर ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, और गिनती भी बताने के लिए, अगर गिनती है कि फोर एप्पल्स, तो फोर जो है वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एप्पल्स की क्वांटिटी बताई उसने। अब जो वर्ब है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है, तो ये किसी भी नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए हो रहा है कि नाउन किस, कोई एक्शन हो रहा है, और नाउन की किसी स्टेज के बारे में, ये नाउन जो है किस स्थिति में है, उसके लिए भी होता है। जैसे कि द गर्ल रूट अ लेटर, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो दिल्ली क्या है, शहर का नाम है। अब ये शहर का नाम के साथ ये तो नहीं कहेंगे कि दिल्ली इज़ रनिंग, दिल्ली इज़ ईटिंग फूड, लेकिन वो उसकी अवस्था बताने के लिए, स्टेज बताने के लिए कि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो ये उसकी स्थिति बताने के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है इज़। तो इज़ क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी जब अकेले यूज़ होते हैं तो वो मेन वर्ब की तरह ही माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में है, ये इज़ है और यही मेन वर्ब है इसका। तो ये इस तरह से वर्ब जो है इनका किसी नाउन की अवस्था, स्टेज बताने के लिए
या उस क्या एक्शन हो रहा है उसकी तरफ से या उसके ऊपर, वो बताने के लिए वर्ब्स का यूज़ होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। जैसे ही सॉल्व द क्वेश्चन ईजीली, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, तो अब ही तो हो गया सब्जेक्ट, सॉल्व हो गया वर्ब, द क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया, और ईजीली जो हो गया उसके काम करने के तरीके के बारे में हमें बता रहा है ये वर्ड कि कैसे काम हुआ। ये ईजीली हो गया, डिफ़िकल्टी से हुआ था, मतलब कठिनाई से हुआ कि आसानी से हुआ, ये काम होने के तरीके, काम होने के टाइम, काम होने की जगह, ये सब चीज़ें जो जिस वर्ड से पता चलेंगी वो एडवर्ब होगा। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो दिस था ये तो, दिस फ्लावर तो हो गया सब्जेक्ट, अब इज़ हो गया वर्ब, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, यानी कि इस फ्लावर की क्वालिटी, ये फूल है इसकी क्वालिटी क्या है कि ये ब्यूटीफुल है। अब वेरी के मतलब कितना ब्यूटीफुल है, तो ये वेरी से पता चल रहा है, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। तो यहाँ क्वेश्चन के लिए यूज़ हुआ था कि किसी नाउन, क्वेश्चन क्या है नाउन, और यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए यूज़ हुआ, ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है उसके लिए यूज़ हुआ। शी स्पोक क्वाइट करेक्टली, तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब, और करेक्टली मतलब ये एडवर्ब है, क्योंकि स्पोक का मतलब जो बोला जा रहा है कि किसी लड़की के बारे में कि वो काफ़ी सही तरीके से बोली। अब वो बोली, वो और बोली, तो बोलना का ये जो एक्शन वर्ड है इसके साथ ये जुड़ गया करेक्टली के सही तरीके से बोली, और क्वाइट का मतलब काफ़ी सही तरीके से बोली, तो इधर ये एडवर्ब के साथ इसका जुड़ा हुआ कि एडवर्ब को और ज़्यादा उसने उसका मीनिंग क्लियर किया। तो पहले वाक्य में ईजिली वाक्य की क्रिया सॉल्व की विशेषता प्रकट करता है, दूसरे वाक्य में वेरी वाक्य के विशेषण ब्यूटीफुल की विशेषता प्रकट करता है, तीसरे वाक्य में क्वाइट वाक्य प्रयुक्त एडवर्ब करेक्टली की विशेषता प्रकट करता है। तो ये जो एडवर्ब हैं ये किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को और ज़्यादा उसकी क्वालिटी को बताने के लिए या उसके और मीनिंग को क्लियर करने के लिए यूज़ होंगे, वो एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नोट लिखा है इसको समझ लीजिए कि विशेषता प्रकट करने के लिए दो शब्दों क्वालिफाई और मॉडिफाई का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव तथा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि क्वालिफाई का मतलब क्वालिटी जोड़ना और मॉडिफाई का मतलब उसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करना या बदलाव करना उसमें। अब आ गया ये प्रपोजिशन, तो ये संबंध सूचक शब्द किसी चीज़ का रिलेशन आपस में बताने के लिए, देयर इज़ अ पैरेट इन द गार्डन, तो इनका मतलब संबंध बताया कि कहाँ, पैरेट का संबंध गार्डन से बताया कि इन द गार्डन, ऑन द गार्डन, ओवर द गार्डन, ये कुछ भी हो सकता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं, कहाँ है, उसका किस तरह से संबंध है, वो बताने के लिए प्रपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, द लिटिल बॉय सेट अंडर अ ट्री, ठीक है, तो ये ऑफ, अंडर, ये सब क्या हैं, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, तो ये सारे उससे रिलेशन बता रहे हैं, उसकी पोजिशन बता रहे हैं, तो ये प्रपोजिशन इन सारे वर्ड्स को बोला जाएगा। द कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है दो, हमने जैसे बताया था कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को या क्लॉज को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, इसमें एंड, बट, ये इस तरह के वाइल, ये सारे यूज़ होंगे। तो जैसे यहाँ टू एंड टू मेक फोर, राम एंड हरी हर फ्रेंड्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मोहन रन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन, तो ये अलग अलग जो पार्ट हैं सेंटेंसेस के उनको जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फिर उपयुक्त वाक्यों में एंड और बट संयोजक है, पहले तीन वाक्यों में एंड द्वारा दो शब्दों को जोड़ा गया है, चौथे वाक्य में बट द्वारा निम्नलिखित दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो दो कोई वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर टू एंड टू मेक फोर, तो दो और दो मिला के चार होते हैं, तो यहाँ पर दो शब्दों को
मिलाने के लिए कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। तीसरे में दो सेंटेंसेस को मिलाया, मोहन रेन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन, तो ये ही मिस द ट्रेन अलग सेंटेंस है, मोहन रेन फास्ट ये अलग सेंटेंस है, इन दोनों को बट से मिला दिया गया है। अब आ जाइए द इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन जो होता है वो विस्मय बोधक, जिस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने जब पढ़े होंगे तो उसमें आगे आप पढ़ेंगे, इसमें अभी ये इंट्रोडक्शन में दिया है, लेकिन अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करता है, आपके हार्ट की आपके दिल की अच्छी या बुरी फीलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ज़्यादा खुल के जब कोई चीज़ आप व्यक्त करते हैं खुशी की या गम की, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और उसमें उस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ होते हैं मेन उस चीज़ को बताने के लिए, वो वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है अलास आई एम रूइंड, तो ये जो अलास शब्द है इसी से अगर अकेला ये आई एम रूइंड होता तो ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको नहीं बोल सकते थे हम, लेकिन ये अलास वर्ड लग गया तो ये एक्सक्लेमेशन का भाव आ गया, चौंकने का या दुख ज़्यादा दुखी होके अपना व्यक्त करने का या खुश होके व्यक्त करने का भाव जिन वर्ड से आता है। हुर्रा यू हैव डन वेल, तो ये इस तरह के जो वर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जो निकलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब ये काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस में आ जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। इसमें एक तो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें सिंपल तरीके से किसी बात की इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट का पता चलना वो आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड रिक्वेस्ट ये सब चीज़ें आती हैं। इंटरोगेटिव में सवाल पूछने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव भी होता है, जो कभी कभी कुछ राइटर्स एक्सक्लेमेटरी में ही इंक्लूड रखते हैं और कुछ उसको अलग से भी बताते हैं, जिसमें कि हम अपने हार्ट की अपने दिल की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को अच्छी या बुरी जैसी भी हो वो जब जाहिर करने के लिए या अपने मतलब एक दिल की इच्छा को किसी के बारे में प्रेयर को किसी के आशीर्वाद को देने के लिए जो सेंटेंस बनते हैं यूज़ होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में किसी सूचना या घटना का ज्ञान होता है, जैसे रामा वॉज अ फेमस किंग, एलन डिड नॉट प्ले द मैच, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है हमें, सिंपल सी बात, कोई सी भी हिस्ट्री के फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई इतिहास में कोई अकबर वॉज अ ग्रेट किंग इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो वो सब असर्टिव सेंटेंस में आएगा। इंटरोगेटिव में इसकी पहचान ये कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, आर यू अनवेल टुडे, वेयर डू यू लिव नाउ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इम्पेरेटिव में ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट ये सब चीज़ें होती हैं, बी क्वाइट, ओपन द डोर, थैंक हिम, डू नॉट टेल अ लाई, और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें यू जो होता है ऑब्जेक्ट वो अंडरस्टूड होता है, मतलब इसमें यू लिखा नहीं होगा, बोला नहीं जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि सामने जो है उसी से बोला जा रहा है, सामने जो होगा उसको यू करके ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे यू बोला नहीं जाएगा, ना लिखने में आएगा ना बोलने में, लेकिन वो अंडरस्टूड है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन वाक्यों में कर्ता छिपा रहता है, ये छिपा हुआ कर्ता यू होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हिडन है और वो ऑब्जेक्ट यू है। ठीक, अब आ गई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हृदय की तीव्र भावनाएं, यानी कि आपकी जो दिल की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है हार्ट की, जैसे आश्चर्य, शोक, यानी आश्चर्य का मतलब ताज्जुब होना, चौंक जाना, और शोक का मतलब दुख होना, और हर्ष मतलब खुशी होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इससे पता चलती हैं। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज़, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज़, तो इस तरह से कि ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है, कितने तुम आलसी लड़के हो, और ये रात कितनी ठंडी है, वॉट अ शेम, कितने शर्म की बात है, इस तरह की जो हम बिल्कुल जो हमारे एक अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो
इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू होती है और ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक, और इसकी पहचान क्या है कि ये एक्सक्लेमेशन का मार्क इसमें लगा होता है लास्ट में, एक खड़ा डंडा उसके नीचे बिंदी, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क कहलाता है। जैसे इंटरोगेटिव की पहचान है कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, और असर्टिव में और इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप लगा होता है, एक बिंदी बस। तो ये आपका ओवरव्यू का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसमें जितने भी ये ग्रामर में मेन मेन चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें कवर हो गई हैं। इनको आप एक सरसरी तौर पे तो समझ ही लीजिए यहाँ पर। अब टॉपिक वाइज डिटेल में आगे आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन ये आपको कम से कम इसमें इतना आपको पता चल जाना चाहिए इससे कि आगे पूरी कंप्लीट ग्रामर में कौन कौन से इसके पार्ट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें टेंसेज हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये सब क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब हो गए थे। ठीक है, इसी तरह से फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ में आई है तो उससे घबराना नहीं है। और डिटेल में जब इसकी बार बार आपको डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेंगी, प्रैक्टिस करोगे तो सब ईज़िली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके डिटेल के वीडियोज़ में मिलेंगे फिर। जब तक आप इससे जितना हो सके इसको समझिए और कोशिश करिए कि इनके डेफिनेशंस के बेस पे आप कुछ प्रैक्टिस करें। सो ओके, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।